सरकार ने 6 महीने तक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी ESMA अपने राज्य यूपी में लगा दिया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत ESMA लगाया है और राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ESMA के तहत यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवाएं प्राधिकरण निगम समेत सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है। अब बात अगर ESMA की विस्तार से करें तो ESMA ऐसा कानून है जिसके लागू होने पर आप कभी भी कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं। हड़ताल को रोकने हेतु ESMA कानून लगाया जाता है और ESMA लागू करने से पूर्व कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र, नोटिस के द्वारा या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। ESMA का नियम अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और ESMA लागू होने के उपरांत यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दंडनीय है। आपको बता दें कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 में लागू किया गया था। अधिनियम में अपने चार्टर में आवश्यक सेवाओं की एक लंबी सूची शामिल है। पोस्ट और टेलीग्राफ से लेकर रेलवे, हवाई अड्डे और पोर्ट संचालन के माध्यम तक इन सेवाओं में महत्वपूर्ण कर्मचारियों को हड़ताल से प्रतिबंधित करता है। वैसे तो यह कानून केंद्र का कानून है, लेकिन इसको लागू करना राज्य के ऊपर होता है। बता दें कि इससे पहले बीते साल भी सरकार ने ESMA लगाया था ताकि सरकारी कामों में किसी तरह की बाधा न आए। बात अगर सजा की करें तो इस योजना के तहत किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हड़तालियों को 6 माह तक की कैद या ₹250 दंड अथवा दोनों हो सकते हैं।